हम कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं, यही नाम है। पहले राजपथ नाम हुआ करता था, एक पत्थर के ऊपर राजपथ लिखा हुआ था और यहाँ पर उसका साइन बना हुआ था, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन अब ये जो रास्ता है राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तक 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता कर्तव्य पथ के नाम से ही जाना जाएगा। पंद्रह अगस्त 2022 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। ये कर्तव्य पथ ही क्यों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बात पर विशेष फोकस किया था लाल किले से। एक तो गुलामी की मानसिकता को ख़त्म करना है, तो जितने भी चिन्ह हैं गुलामी के वो हटाए जा रहे हैं। दूसरा, सरकार ये बात याद दिलाना चाहती है कि सिर्फ अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी मायने रखते हैं लोगों के। दरअसल जब भारत में ब्रिटिश शासन था और वर्ष 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जॉर्ज पंचम द्वारा स्थानांतरित की गई, तो ब्रिटिश राजाओं के सम्मान में इस कॉरिडोर का नाम किंग्सवे रख दिया गया। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो किंग्सवे को हिंदी में ट्रांसलेट कर राजपथ कर दिया गया, जिसके बाद ब्रिटिश लोग दावा करते थे कि राजपथ का नाम कभी बदला ही नहीं। इन्हीं सब कारणों और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति के कारण राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। किंग्सवे से राजपथ और अब कर्तव्य पथ तक इसकी यात्रा बदलाव बदलते अर्थों और पहचानों का एक उदाहरण है। राजपथ के रूप में जहां इसे ताकत के प्रतीकात्मक धुरी के रूप में डिजाइन किया गया था, कॉरिडोर के फुटपाथ के साथ दोनों तरफ बगीचे और साथ साथ फव्वारों की एक बेहतरीन श्रृंखला और इसके साथ ही इंडिया गेट के बगल में छतरी के नीचे राजा की मूर्ति औपनिवेशक प्रतीकों का पर्याय बन गए थे। वहीं अब सेंट्रल विस्टा के तहत इसके डिजाइन के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन छतरी के नीचे राजा की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और इसका नया नामकरण राजपथ के मौजूदा परिदृश्य को पूरी तरह से जरूर बदल देगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पिछले कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में बहुत सी सड़कों और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग किया गया, औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया, डलहौजी रोड को दारा शिकोह रोड किया गया, तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक किया गया। किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया तो उससे बिल्कुल स्थापित होता है कि जो गुलामी की मानसिकता थी उसको हमने आजादी के बाद भी कंटिन्यू किया और उसको हमने बढ़ावा दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोग इन पदों पर आते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो, वो कर्तव्य से बंधे हुए लोग होते हैं, तो कर्तव्य का बोध नहीं करते हुए बल्कि उसका नाम अगर राजपथ रखा जाए तो यानी आप राज करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहे। वहीं अब 8 सितंबर से इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार आने वाले कुछ वर्षों में कई और ऐतिहासिक जगहों के नाम बदल सकती है। ऐसे में लग रहा है कि देश चुन चुन कर अब अंग्रेजों की परछाई से बाहर निकल रहा है।